हेलो बच्चों, मैं मनीषा मैम सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप इस COVID-19 महामारी के दौरान आप अपनी फैमिली के साथ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो उसके लिए आपको हमारी वीडियो एंड तक देखनी होगी। ओके, जैसा कि बच्चों हमने अपने सभी ऑफलाइन बैचेस बंद कर रखे हैं और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी अभी 3 क्लासेस आ रही हैं। एक सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लासेस आती हैं, सुबह 10 बजे और दोपहर 1 बजे। तो हमारी अलग अलग सब्जेक्ट की तो क्लास आ ही रही हैं। तो बच्चों आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि बच्चों आपको लगता होगा कि SSC ने अभी CGL का भी और GD का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन किया है, तो आपको लगता होगा कि अभी कोई एग्ज़ाम होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है बच्चों, बी पॉजिटिव तो इस टाइम आपकी अभी डबल डबल जिम्मेवारी बन गई है। एक तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, और उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है, तो अभी बच्चों आपको ब्लैक फंगस के बारे में बताएंगे साइंस की मैम अनु मैम। ओके, लीजिए अनु मैम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब घर पे ठीक होंगे। जैसा कि मनीषा मैम ने बताया, ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस ये अभी बहुत फैल चुका है, जैसे कि महाराष्ट्र में इसके 200 केसेस हैं, 8 की डेथ हो चुकी है और गुजरात में भी ये बहुत फैल चुका है। तो ब्लैक फंगस क्या है? ब्लैक फंगस ये जो कोविड पेशेंट होते हैं इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, या फिर जो डायबिटीज़ पेशेंट हो, जिनको कैंसर वगैरह हो, इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, जिसको ये ब्लैक फंगस बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं जैसे कि बुखार होना या फिर स्वेलिंग होना। ये सबसे पहले हमारे नाक और मुँह से शुरू होता है, नाक में हमारे साइनस पार्ट को इफ़ेक्ट करता है, और धीरे धीरे ये हमारे आईज़ में भी चला जाता है, जिससे कि हमें आई साइड वीक हो जाती हैं, ब्लाइंडनेस हो जाती है। फिर ये हमारे ब्रेन को भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, ब्रेन के लिए बहुत ही रिस्की है, और जिससे ब्रेन में होने से हमारी डेथ भी हो सकती है। तो जिसको, मेरी यही रिक्वेस्ट है, जिसको जो भी थोड़ा सा भी ये लगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और इसका ट्रीटमेंट यही है, एक ऑपरेशन है या फिर एंटी फंगल थेरेपी। तो जितना हो सके इस बीमारी से बचे, अपने घर पर रहें। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, और अपनी स्टडी को भी साथ साथ में कंटिन्यू रखें। जैसे कि हमारी क्लासेस डेली डलती हैं, आप उन्हें देखें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। एग्ज़ाम तो होने ही है, आज नहीं तो कल, तो अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। और हमारी वीडियो डेली ही ऐसे डलती रहेंगी, 7 बजे, 10 बजे और एक दोपहर 1 बजे। तो बच्चों आप ये क्लासेस अपने डेली देखें। थैंक यू।